देश के महान पूर्वज जब अंग्रेजी दासता के खिलाफ आजादी की जंग लड़ रहे थे तो उसके पीछे मकसद था एक ऐसे भारत का निर्माण जिसमें भाईचारे, समानता, सद्भाव, संप्रभुता, निडरता, ईमानदारी, पारदर्शिता जैसे भावों का समावेश हो, और देश के उन पूर्वजों ने इसे ही असली राष्ट्रवाद माना। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने विश्व स्तरीय संस्थानों के निर्माण, किसानों के उत्थान, उदारीकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, मजबूत सैन्य शक्ति, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार देकर और भाईचारे का माहौल बनाकर उन महान पूर्वजों के सपने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए, क्योंकि यही तो असली राष्ट्रवाद था। हम उस सपने को पूरा करने में सफल हो रहे थे, देश अपनी रफ्तार पकड़ चुका था, लेकिन फिर आया साल 2014 जिसने न केवल देश की गति थाम दी बल्कि दिशा ही उलट दी। भाजपा ने राष्ट्रवाद के मायने ही बदल दिए। भाजपा ने नफरत के वो बीज बोए कि भारत की हवाओं से भाईचारा गायब ही हो गया। पिछले 6 साल में किसान आत्महत्याओं से भारत माता का आंचल लहूलुहान रहा। आजादी के बाद सबसे कम जीडीपी में भाजपा का राष्ट्रवाद दम तोड़ रहा है। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी ने युवा पीढ़ी की कमर तोड़ दी है। देश की बेटियां भाजपा के विधायकों से खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बोला जा रहा हर झूठ राष्ट्रवाद का सिर शर्म से झुका रहा है। जवानों की शहादत के बीच प्रधानमंत्री की वीडियो शूटिंग वाले राष्ट्रवाद ने भारत माता को दुख पहुंचाया है। भारत माता की जमीन पर कब्जा करने वालों को प्रधानमंत्री द्वारा क्लीन चिट अब भाजपा के लिए राष्ट्रवाद हो गया है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। भाजपा के इस नकली राष्ट्रवाद से हमें देश बचाना है, भारत माता को बचाना है और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। जय हिंद। आपकी आवाज